हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम घी में, कम टाइम, कम इंग्रेडिएंट का आटा लड्डू, जो सुबह आप एक ग्लास दूध के साथ बच्चों को दे सकती हैं स्कूल जाने से पहले। शॉर्ट ब्रेक में दो लड्डू आप शॉर्ट टिफ़िन में रख दें, शाम की छोटी भूख में दे दें। हलवे से भी जल्दी बनने वाला ये लड्डू आप स्टोर करके भी रख सकती हैं। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। लड्डू बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा बोल घी, इसे पैन में डालेंगे। एक टेबल स्पून घी इसमें मैंने बचा लिया है और साथ में अब इसमें डाल रही हूँ आधा बोल सूजी। लो फ्लेम पर इसे एक से दो मिनट तक पहले भूनेंगे। आटा लड्डू में थोड़ा सा सूजी डालने से इसका फ्लेवर भी चेंज होता है और ये मार्केट जैसे दानेदार भी दिखता है, तो सूजी आप अवश्य डालें। आधा बोल सूजी डाला है, एक दो मिनट इसे भून लिया जिससे इसमें कच्चापन ना रहे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ डेढ़ बोल गेहूँ का आटा। जिस बोल से घी लिया था उसी बोल से आधा बोल सूजी और डेढ़ बोल गेहूं का आटा लिया है। मेजरमेंट यही रखिएगा, घी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब लो फ्लेम पर ही 5 से 7 मिनट तक इसे चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। सूजी और आटा दोनों ही लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं करेंगे जिससे इसमें बिल्कुल कच्चापन ना रहे। मैंने इस तरह का फ्लैट पैन लिया है, अगर आपके पास है तो ऐसा ही यूज करें, इससे ये एक बराबर और जल्दी रोस्ट होगा। नहीं है तो आप कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। लो फ्लेम पर आटा भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। देखिए कलर भी चेंज हो गया है, इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, मतलब ये रेडी है। तो इस स्टेज पर आप फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मतलब मीडियम टू लो कर दीजिए, क्योंकि आटा भून तो गया है लेकिन एक अच्छा कलर लाने के लिए अब इसे लो से थोड़ा बढ़ाकर ऐसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे एक अच्छा कलर आ जाए इसमें। देखिए आटा में एक अच्छा डार्क कलर आ गया है, तो गैस मैं यहाँ पर ऑफ कर रही हूँ और एक प्लेट में आटे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। मीठे के लिए आप गुड़ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ डालूँगी चीनी, उसे मिक्सी में चला लें। आधा बोल उसी बोल से शुगर पाउडर लिया है। एक अंदाज ये है कि आप आटे का आधा चीनी ले लें, आप अपने परिवार के हिसाब से मीठा ज़्यादा कम करें। यहाँ इलायची पाउडर डाला है, 4 इलायची का कूट के पाउडर बना लें। अब इन सबको हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ मैंने 1 चम्मच घी और ऐड किया है, देखने में थोड़ा ड्राई लग रहा था, आपको अगर ड्राई लगे तो 1-2 चम्मच घी की मात्रा आप ऊपर से बढ़ा दें। हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लिया, अब सबको एक साइड में करके इस तरह से प्रेस कर दें जिससे कि ये ठंडा ना होने पाए, वरना लड्डू बनाने में हमें दिक्कत होगा क्योंकि घी हमने कम यूज़ किया है ना। गर्म है तो हाथ से तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ स्पैचुला से आप 2 से 3 लड्डू बनाने का मिक्सचर लें और इस तरह से प्रेस करते हुए मिक्स करें, इससे ये थोड़ा चिकना हो जाता है जिससे लड्डू बनाने में हमें आसानी होती है। अब हाथ में 1 लड्डू का मिक्सचर लिया, इसे अच्छे से 2 बार प्रेस किया और हल्का हल्का इस तरह गोल गोल घुमाएंगे और लड्डू हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से गोल गोल घुमा रही हूँ और ये लड्डू हमारा रेडी। लड्डू का मिक्सचर जब तक गर्म है इसी तरह से थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, स्पैचुला से इस तरह प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे और लड्डू बनाएंगे। बस 2 बार शुरू में इस तरह से प्रेस करके दबा दें हाथ के अंदर और हल्के हाथ से गोल गोल घुमा दें, लड्डू फटाफट बनेगा। मेरे यहाँ एक बच्चों को ऐसे पसंद है, एक बच्चे को ड्राई फ्रूट्स डाल के, ड्राई फ्रूट्स डालना है तो उसे शुरू में ही आप फ्राई करके निकाल लें घी में। अब ठंडा हो गया है तो मैं हाथ से ही इसे इस तरह से मसल रही हूँ, अच्छे से मसल के लड्डू बनाए। इस तरह से ठंडा होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो घी 1 चम्मच आप डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा बचा है, उसमें फ्राई किया हुआ काजू काट के डाल दिया और उसको भी उसी तरह लड्डू बना लें। लड्डू बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करें या सिंपल बनाएं। बन गया ना हलवे से भी जल्दी ये लड्डू, इसे आप बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं और घी भी बहुत ही कम लगा, आधा बोल से कम घी यूज़ किया है मैंने। गरम गरम में ही तोड़ कर ही दिखा रही हूँ, ठंडा होने तक बचेगा ही नहीं मेरे घर में। हर घर में मीठा पसंद करने वाले लोग ज़रूर होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप निश्चिंत होकर गेहूं के आटे से ये लड्डू बनाकर स्टोर कर दें, खाने वाले खाएंगे, आप निश्चिंत रहेंगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।